पंजाब के अमृतसर में गोल्डन टेंपल परिसर में एक बच्ची का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। यह शव गोल्डन टेंपल परिसर के प्लाजा में पड़ा हुआ था, जिसके बाद शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पुलिस के हवाले कर दिया है। पुलिस ने भी गोल्डन टेंपल के सीसीटीवी कैमरों के आधार पर कार्यवाही शुरू कर दी है। एसजीपीसी से मिली जानकारी के अनुसार यह शव घंटाघर दरवाजे की तरफ प्लाजा में पड़ा हुआ था। शव को देखकर किसी ने इसकी सूचना एसजीपीसी कार्यालय में दी, जिसके बाद एसजीपीसी के सदस्य मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर मॉर्चरी में भेज दिया है, जहां उसे 72 घंटे के लिए रखा जाएगा। पुलिस ने भी बच्ची की पहचान के लिए कार्यवाही शुरू कर दी है। गोल्डन टेंपल में लगे सीसीटीवी कैमरों में बच्ची को परिसर में छोड़ने वाली महिला दिखी है। वह महिला बच्ची को अपने गोद में उठाकर घूमती दिख रही है। बच्ची को छोड़ने के बाद महिला हाथ में सूटकेस लेकर घूमती भी दिख रही है, जिसके आधार पर पुलिस ने कार्यवाही शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि बच्ची का शव गोल्डन टेंपल के अंदर जाने वाले दरवाजे के पास हाथ धोने वाली जगह के करीब पड़ा हुआ था। देखकर लग रहा था जैसे बच्ची सो रही है। बच्ची देखने में भी अच्छे घर की लग रही है और ना ही उसके शरीर पर किसी चोट के निशान है। पुलिस बच्ची के परिवार का पता लगाने में जुट गई है। बच्ची आ 5 साल दी एज लगती है। ये कंपलैक्स के बाहर जिथे आप मेन एंट्री तो हाथ धोने बरांडे के सू मिली है। लगता जिमें 3-4 घंटे तो मतलब कोई डैथ हुई है। असी वो फिलहाल 72 घंटे वास्ते जी हैगी मॉर्चरी के डेड बॉडी रखाई है। जिहड़े लगे ने सीसीटीवी वगैरह वो असं वेखते हैं कि कहदे नाल आई है, की गलबात हुई है।